नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। तो चलिए रुख करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 30,000 से ज्यादा केस दर्ज, अब तक की सर्वाधिक एक दिनी बढ़ोतरी। इससे पहले एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले शनिवार को दर्ज हुए थे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 99 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार का ऐलान, 22 मार्च से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की, जो रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लेने के 28 दिन बाद तक नहीं कर सकते रक्तदान। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिलिंग के निदेशक द्वारा जारी एक आदेश में हुआ खुलासा। उनके अनुसार वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच 28 दिनों का अंतर होने के कारण लाभार्थी पहली खुराक के 56 दिनों बाद तक रक्तदान नहीं कर सकेंगे। अपने 3 पालतू कुत्तों की हत्या के बाद महाराष्ट्र में शख्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट हुआ बरामद। सुसाइड नोट के अनुसार मृतक की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और उसके बच्चे उससे अलग रह रहे थे, जिस कारण से वो डिप्रेशन में था। 76 देशों को भेजी गई कोविड-19 वैक्सीन की 6 करोड़ से अधिक डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीकाकरण कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ में इस साल कोविड-19 केस की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी के बाद स्कूल कॉलेज हुए बंद। राज्य के मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि स्कूल कॉलेज और आंगनवाड़ी तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोविड-19 के 1,273 नए मामले सामने आए। कोरोना के चलते नासिक से लौटाई गई दक्षिण भारत दर्शन के लिए जा रही ट्रेन, यात्रियों को लौटाए जाएंगे पैसे। बता दें कि ये सभी यात्री महाराष्ट्र में घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे। यूपी डीएलएड की कॉपियों से 4 दिन में निकले 1,00,000 रुपए। बता दें कि परीक्षा में पास होने के लिए कॉपियों में नोट रखने की प्रवृत्ति हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं से होते हुए डीएलएड तक पहुंच गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सीतापुर में इन दिनों डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है, यहाँ यह राशि निकली। उत्तराखंड में देहरादून के 150 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित का बैनर लगा। ये बैनर दक्षिणपंथी समूह हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए। नहीं थम रहे म्यांमार में विरोध प्रदर्शन, यंगूर सहित 20 शहरों में आंदोलनकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा दमन चक्र चलाया गया था, इसके बावजूद भी शांत नहीं है लोग। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।